भेज दें टीम प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, और अमर ब्रदर्स अपने ओपनर्स को भेजें प्लीज। टीम अमर ब्रदर्स अपने ओपनर्स भेज दें मैदान पर। आप सबकी स्क्रीन पे एवरीवन आप लोग देखने जा रहे हैं इन हमारे तीनों त्रिमूर्तियों को। एवरीवन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के, आप सब भलीभांति वाकिफ हैं भावेश भाई बैच से। यस हाँ, कोई अगर नया जुड़ा हो, कोई मुंबई से देख रहा हो, कोई इंडिया के किसी और कोने से देख रहा हो, आप सब पवन जी बोहरा और अब उसके बाद महावीर भाई पारेख, ये तीनों जेंटलमैन ने मिलके वो काम किया है कि जो जैन समाज को अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के बहाने जोड़ने की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी इतनी जबरदस्त प्लेटफॉर्म दी है। जो मैच हुआ थोड़ा तो उसके बारे में बात करेंगे। भावेश भाई से हम लगातार जुड़े हुए थे, पवन भाई एंड महावीर भाई। मैच के लिए मैं फिर से अमर ब्रदर्स, अंशुल भाई प्लीज अपने ओपनर्स को तुरंत भेज दें, फील्डिंग सेट हो चुकी है। अमर ब्रदर्स कैप्टन अंशुल भाई तुरंत मैदान पर ओपनर्स को भेजें, अगले दो मिनट में हमें मैच की शुरुआत करनी है। यस, ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलता है। नमन ने बहुत अच्छा एफर्ट किया बट हार्ड लक टीम अरहम कंस्ट्रक्शन। नमन की जो बैटिंग थी वो देखने में निकल लगता है पूरे क्राउड को बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल महावीर भाई। पवन भाई मैं रेख चंद जी साहब के साथ वहां पे जुड़ा हुआ था जो टीम जी हाँ ओनर है अरिहंत दाल उद्योग के, उन्होंने भी क्लैप बजाया टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के खेल के लिए। मतलब ऐसा काम कर जाए कि तालियां बजती रहे, पर्दा गिर जाए, आप भले से पीछे रह जाए, आपके ऑपोजिशन भी सैल्यूट करें। डेफिनेटली ये क्रिकेट का जीत है, जिस तरीके से लोग टीम होते हुए भी दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं, ये यूनिटी दिखती है जीसीएल में। ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? ग्राउंड का हर एक कोना हजारों तादाद में, जो हमारा 6 स्टैंड सब भरा हुआ था, लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा है जेसीएल के लिए, आप लोग के लिए सर? ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है जेसीएल के लिए। जेसीएल ने जितना उम्मीद नहीं की थी उससे बड़ा समर्थन जेसीएल को मिल रहा है, और जेसीएल अब खुद हमको ऐसा लगता है कि अब ब्रांड हो चुका है। अब जेसीएल नॉट ओनली नेम, जेसीएल क्या, देखिए देखिए यही चाहिए थी, मैं चाहता था इनके चेहरे पे खुशियां रहे, क्योंकि इन्होंने हजारों हजार लाखों जैन समाज के खिलाड़ियों को, जैन समाज के चेहरे पे खुशियां बिखेरी है। आप लोग के इस काम को सैल्यूट, वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल थ्री, थैंक यू सो मच। चलेंगे मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए, एंड एवरीवन हमारे को पावर्ड स्पॉन्सर में आई प्लीज रिक्वेस्ट शरद भाई, शरद भाई फ्रॉम मोक्षित ग्रुप, एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट सौरभ भाई, सौरभ भाई ऑल्सो प्लीज ज्वाइन शरद जी, एंड पंकज भाई, पंकज भाई प्लीज आप भी आ जाइए। एवरीवन मे आई प्लीज रिक्वेस्ट आकाश इज द मैन ऑफ द मैच प्लेयर। वन बाउंस इन टू द फेंस, पहली बॉल ही बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई, अवार्ड मिलता हुआ आकाश को, वेल प्लेड, थैंक यू सो मच। आर कोप अवार्ड फ्रॉम मोक्षित शरद भाई, थैंक यू सो मच सौरभ भाई, एंड थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। ठीक 11:31 पर शुरू हुआ ये आखिरी मैच। आज की शाम का ये आखिरी मैच अमर ब्रदर्स और प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, और ये आप बेहतरीन कैच मुकेश है वहां पर, और मुकेश के द्वारा ये जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ।
विकेट नंबर वन। और कुछ और अवार्ड दिए जाने हैं, सो आई रिक्वेस्ट अक्षय काइंडली प्लीज इस हमारे जो बैकड्रॉप है उसको आप रखें प्लीज। सोनल ज्वेलर्स इस हमारे अवार्ड सेरेमनी के एक और प्राउड पार्टनर, एक और प्राउड स्पॉन्सरर्स। सो शरद जी फ्रॉम मोक्षित ग्रुप, उनसे रिक्वेस्ट है सर। यस सोनल ग्रुप का ये शानदार सर पहले सिल्वर कॉइन, थैंक यू सो मच सोनल ज्वेलर्स एंड वन मोर गिफ्ट। थैंक यू सो मच शरद जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। मैच तो खत्म हुआ अरमान, लेकिन अभी भी उस मैच की गर्मी, उस मैच की बातें हर कोई कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ भावेश भाई, महावीर भाई, पवन भाई उस मैच की बात कर रहे हैं, यार क्या मैच हो गया, मजा आ गया। ये जो मेहनत है इसीलिए आप करते हैं कि पूरा समाज इस तरीके से खुशियां मनाए, समाज खुश तो ये खुश। चार गेंदों में बने हैं चार रन, एक विकेट अभी तक गवाया है बल्लेबाजी करते हुए अमर ब्रदर्स ने। जयेश जैन है पहले ओवर में गेंदबाज प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स के लिए। पांच गेंदे चार रन, क्या जबरदस्त मैच हम सभी ने देखा। अरिहंत दाल उद्योग और उनके सामने अरहम कंस्ट्रक्शंस के दरमियान। ये एक और मौका है, जी नहीं, बहुत मुश्किल था उस कैच को कन्वर्ट करना क्योंकि पीछे की तरफ दौड़ना पड़ा था वहां पर मौजूद खिलाड़ी को। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी डीप में मौजूद खिलाड़ी के द्वारा। लॉन्ग ऑफ में ये एक रन मिला नए बैटर को, ओवर समाप्त हो गया पहला। पहले ओवर के बाद पांच एक विकेट के नुकसान पर। मैन ऑफ द मैच के हकदार बने आकाश जैन, जिन्होंने 17 गेंदों में 48 रन बनाए थे, 7 सिक्सर लगाए थे और गेंदबाजी करते हुए एक सफलता भी अपने नाम दर्ज कराई थी। लेकिन आप तारीफ करेंगे नमन की बल्लेबाजी की भी, 68 रन्स नॉट आउट बनाए 25 गेंदों में। और एक समय ऐसा लग रहा था कि अरहम कंस्ट्रक्शंस की टीम को जीत दिलाकर ही मानेंगे, लेकिन एक सिक्सर दूर रह गए। मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज था वो डिसीजन जब संयम को नंबर 5 पर बैटिंग के लिए भेजा गया, 4 विकेट गिरने के बाद भेजा गया। मुझे ऐसा लग रहा था शायद सेकेंड डाउन या थर्ड डाउन संयम को भेजना चाहिए था, लेकिन हर एक कप्तान की अपनी अलग अलग सोच। इस दरमियान नया ओवर है, मुकेश आए हैं गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद पर निकलता हुआ ये firstcry.com चौका। आ जाओ डीजे वाले भाई अब साथ में, अब थोड़ा म्यूजिक वगैरह भी प्ले करते हैं, बिकॉज पिछला मैच इतना क्लोज था कि म्यूजिक के लिए कुछ वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। ये लीजिए एक और बेहतरीन शॉट, पिछली बार ऑन साइड में तो इस समय लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, विस्तार INC सिक्स। अच्छा डीजे, ओके थैंक यू, सो नो डीजे प्लीज, नो म्यूजिक। पहले चौका फिर सिक्सर और उसके बाद अपना विकेट गंवा दिया यहां पर बल्लेबाज अनिरुद्ध जैन ने। एक छोटी सी पारी, क्विक फायर पारी और वो जल्दी ही समाप्त हो गई। चूंकि 11:30 बज गए हैं सो अब थोड़ा म्यूजिक जो है, जो साउंड जो आप सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे थे अब वो हम नहीं प्ले कर पाएंगे। सो तरुण म्यूजिक से रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ से आगे हम तो चाहते हैं कि काश और म्यूजिक और सॉन्ग सुने, लेकिन इतना अच्छा खेल हो रहा है कि ये इसमें म्यूजिक और संगीत सब कुछ यहाँ पे इनके खेल से जिस खेल में मिलता हुआ। चूँकि वक्त हो चुका है 11:30 से ज़्यादा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, जो आसपास के रेसिडेंसेज हैं जो लोग सो रहे होंगे। सो नो म्यूजिक नो सॉन्ग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।
मुकेश वापसी दिलाई स्वयं को भी और टीम को भी। चौका सिक्सर के बाद आउट हुए अनिरुद्ध। अब दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, दोनों ही बल्लेबाजों को अपना अकाउंट ओपन करना है। आशीष जैन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और उनके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर टीम के कैप्टन अंशुल बोहरा। इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और उसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, आशीष जैन को मिलेगा उसका फायदा। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ firstcry.com चौका। दो ओवर समाप्त हो गए और दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह है जैन चैंपियंस लीग 2022 दूसरा एडिशन हम सभी देख रहे हैं और इस एडिशन की खास बात यह है कि पिछले दो वर्षों से जो मौका मिला है सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का और ऑक्शन के बाद तकरीबन एक वर्ष का पूरा जो अंतराल मिला टीम के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की खूबियों को समझने का, उनकी खामियों को सुधारने का, उसके चलते अब हर एक टीम अपने आप में बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ खेल पा रही है और यही वजह है कि हमने जितने भी अभी तक मैचेस देखे हैं वो सभी बहुत क्लोज हुए हैं। अभी अभी जो मैच समाप्त हुआ वो भी हमने देखा। हमारे स्कोरर कहाँ पर हैं एक बार प्लीज़ अंपायर को बता दें ताकि इशारा अंपायर आपको दे सके, धन्यवाद। इम्पैक्ट प्लेयर हमारे डगआउट का जो क्षेत्र है, मैं गुजारिश करूंगा हमारी हाउसकीपिंग टीम, हमारी जो सर्विस वाली टीम है जो लगातार सेवा में कार्यरत है, डगआउट के क्षेत्र में कुछ पानी की बॉटल्स प्रोवाइड कर दें, ऐसा वहां से गुजारिश है प्लेयर्स के द्वारा। रक्षात्मक अंदाज में खेल रहे हैं अंशुल बोहरा स्ट्राइकिंग एंड पर। ये स्ट्रोक लाजवाब है, पिछली दो तीन गेंदों तक कनेक्शन नहीं हो रहा था लेकिन जब कनेक्शन होगा अंशुल के बैट से तो रिजल्ट यही आएगा। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ बेहतरीन चौका, firstcry.com चौका। एक चौका आशीष के बैट से भी आया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे। नीरज जैन, कल हमने नीरज जैन को विकेट मेडन ओवर करते हुए देखा था, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। ये वो सभी प्लेयर्स हैं जिन्होंने रेगुलरली प्रैक्टिस की है इस अभिनंदन गैलेक्सी मैदान पर। और एक और गेंद जारी कवर्स के क्षेत्र में, सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड की तरफ, ये एक और firstcry.com चौका। आखिरी गेंद इस ओवर की जिसे रक्षात्मक अंदाज में खेला, दो चौके लगाए इस ओवर में अंशुल बोहरा जी ने। इस प्रकार तीन ओवर समाप्त हुए और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सत्ताईस पे दो, तीन ओवर की समाप्ति के बाद कलश कोठारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी लगातार मशगूल रहते हैं, कलश के साथ प्रियेश
आशीष और अंशुल हैं मैदान पर टीम अमर ब्रदर्स के लिए। और अब जो नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बल्लेबाज अगर रीच करते हैं, अपने स्टांस को चेंज करते हैं, तो ऐसे में अगर गेंद रीच में है तो उसे वाइट करार नहीं दिया जाता। थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं आशीष और अंशुल दोनों ही। ये चौथा ओवर है और अब तक 3 चौके आए हैं, 2 अंशुल के बैच से आया है, 1 आशीष जी के बैच से आया है। कहां पिछले मैच में हमने देखा कि 133 134 दोनों ही पारियों में चौके सिक्सर्स सब कुछ देखने को मिले, लेकिन इस पारी में अब तक रन गति बड़ी ही संभल कर आगे बढ़ रही है। कलश कोठारी की बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, कल शाम को भी कलश कोठारी ने अपनी गेंदबाजी में विकेट्स चटकाने में कामयाबी हासिल की थी। जैन चैंपियंस लीग और इस बार रिवर्स के अंदाज में खेला गया आशीष के बल्ले से, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर और यह आता हुआ firstcry.com का चौका। ये दोनों बल्लेबाज कुछ समय देना चाहते हैं मैदान पर, आंखें जमाते हैं और उसके बाद फिर बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं। विस्तार INC प्रेजेंस, जैन चैंपियंस लीग, JCL सीजन 2, दूसरी शाम की आखिरी मैच। नमन की वो पारी पिछले मैच में अभी भी निगाहों के सामने घूम रही है, 65 रन्स इन 28 बॉल्स में बनाए। ओवर समाप्त तो हो गया या फिर लास्ट बॉल बाकी है, एक बार स्कोरर से कंफर्म करना चाह रहे हैं एम्पायर। गेंदबाज स्कोरर ने कहा कि ओवर समाप्त, 4 ओवर मुकम्मल हुए, 4 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर 33 पे 2, 9 पर आशीष जैन भी हैं और 7 गेंदों में 9 पर अंशुल बोहरा भी है। 2 चौके आशीष जैन ने भी लगाए हैं और 2 ही चौके अंशुल बोहरा ने भी लगाए हैं, लेकिन इस मैदान के पिछले मैचेस पर अगर आप नज़र डालें तो आप ये उम्मीद लगाएंगे कि अमर ब्रदर्स के ये दोनों बल्लेबाज अब आने वाले ओवर्स में रनों को एक्सेलेट करेंगे। 5वां ओवर शुरू होगा, उसके बाद स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, ये इशारा एम्पायर ने दिया है। कंटिन्यू करने आए हैं गेंदबाजी में मुकेश, प्रतीक भाई वहां पर माइंड गेम भी खेलते हुए थोड़ा बल्लेबाज अंशुल के खिलाफ। और ये लीजिए, जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद है, उनकी रडार में है, उनकी रेंज में है, अंशुल के बैच से निकलता हुआ ये विस्तार INC सिक्सर। और ये लीजिए, बैक टू बैक सिक्सर्स आता हुआ यहां पर अंशुल के बैच से। मैं इसी की बात कर रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज जो हैं ये बुलेट बाइक की तरह से हैं। हम अपने बचपन के दौर में ये सुनते थे कि बुलेट की बाइक थोड़ा वक्त लेती है गर्म होने में, लेकिन एक बार अगर गर्म हो जाती है फिर उसका कोई मुकाबला नहीं। ये दोनों बल्लेबाज भी वही हैं।
लंबी पारी खेलना जानते हैं। और क्या ये तीसरा सिक्सर है? जी हाँ, तीन सिक्सर्स लगातार अंशुल बोहरा है बल्लेबाज, और टीम की कप्तानी किस तरह से निभाई जाती है उसका एक जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए। शुरुआत भले ही धीमे अंदाज में की, लेकिन इस धीमी शुरुआत को एक्सेलरेट कब करना है और कैसे करना है वो जानते हैं अंशुल बोहरा। विस्तारा एनसी सिक्सर, तीन सिक्सर्स लगातार इस ओवर में। लेग बाय के रन्स नहीं है इसलिए गुंजाइश नहीं थी वहां पर कोई रन्स की। ठीक 11:31 पर पारी का आगाज हुआ। और फिर से फुल टॉस का तोहफा मिलेगा अगर इस बल्लेबाज को, तो हश्र यही होगा। गेंद को मोड़ दिया वीआईपी स्टैंड की तरफ जहां पर हमारे त्रिमूर्ति पवन भाई, महावीर जी और भावेश जी वहां पर हैं। उन उसी क्षेत्र में ये सिक्सर ओवर समाप्त हुआ 5 और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 2 विकेट के नुकसान पर, और अब 90 सेकेंड्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ। क्विकली हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। JCL का ये दूसरा संस्करण जिसके हमारे मुख्य प्रायोजक हैं विस्तार INC, कोच स्पॉन्सर हैं आशीष एनेक्स, पावर्ड बाय श्री शिवम दी टुगेदरनेस स्टोर, को पावर्ड बाय मोक्षित, स्पेशल सपोर्ट हमें मिला है स्वस्तिक ग्रुप का, ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ दैट्स स्वस्तिक ग्रुप। हमारे और जो पार्टनर्स हैं उनके भी हम बहुत आभारी हैं। हमारे एसोसिएट पार्टनर हैं ललित भंसाली, मैच के स्पॉन्सर हैं सोनल ज्वेलर्स, बेवरेज के पार्टनर हैं रमनलाल, अतिन कुमार, रोमी कुमार जी जैन, स्कोरिंग पार्टनर हैं क्रिक हीरोज, हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं पंचशील प्राइम, एक्सेसरीज के पार्टनर हैं झाबक वॉच एंड मोबाइल, फूड पार्टनर हैं जलाराम ढाबा, ट्रेवल पार्टनर हैं अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स, और ब्रांडिंग पार्टनर हैं हर्ष फ्लेक्स। इनके अलावा हमारे जो डगआउट के पार्टनर हैं वो हैं गुरुदेव राइस। इन सभी पार्टनर्स का बहुत आभार। 6 स्टैंड पार्टनर भी हैं सदरपाटा ग्रुप, महावीर ग्रुप, नीव TMT, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारक नर्सिंग होम, सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स। और इस पूरे आयोजन को ऑर्गेनाइज करते हैं पवन जी, महावीर जी और भावेश जी, और उनके फर्म्स की अगर बात की जाए, ये जो इनिशिएटिव है JCL का, ये पूरा इनिशिएटिव राइजिंग स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर के द्वारा, अरहम मिनरल्स, पारख दाल मिल और एक्वा विलेज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, ओवर नंबर 6 इस समय 13 गेंदों में 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में 4 सिक्सर्स हमने देखे अंशुल जी के बैट से। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि ये दोनों बल्लेबाज की साझेदारी कितने रनों की बनती है, क्योंकि जो पहले 2 विकेट्स गिरे बहुत जल्द ही अंतराल पर गिर गए। पहला विकेट 4 पर और दूसरा विकेट 15 पर गिरा था। और इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी है, नीरज गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के सफल गेंदबाजों में से एक है। कल शाम के समय भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा था नीरज का।
पिछले ओवर में 4 सिक्सर्स का मोमेंटम है अंशुल जी के साथ में, लेकिन इस ओवर में हावी होते हुए गेंदबाज नीरज, और इस बार स्क्वायर लेग में खिलाड़ी जो 38 सर्कल के करीब खड़ा है उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ firstcry.com चौका। और ये अंशुल बोरा जी की विकेट गिरता हुआ, सफलता मिलती हुई एक बड़े बल्लेबाज की यहाँ पर नीरज को, इसी की तलाश थी क्योंकि अंशुल बोरा धीरे धीरे अब खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन उनकी पारी को यहाँ पर किया समाप्त नीरज के इस ओवर में। आखिरी गेंद पर आई ये विकेट, ओवर भी समाप्त हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 62, 3 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर, इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं श्रेणी कोस्तवाल, बल्लेबाजी के लिए नया बल्लेबाज जो अंशुल जी के आउट होने के बाद मैदान पर पहुंचा है वो है अनमोल गोलचा, स्ट्राइकिंग एंड पर है आशीष जैन। दो गेंदे और दोनों ही सीधा यॉर्क लेंथ पर, ओवर नंबर 7वां है ये, मात्र वो ओवर 5वां ओवर जिसमें 24 रन बने थे 4 सिक्सर की मदद से, उसके अलावा खुश होगी टीम प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स की बाकी सभी गेंदबाजों ने ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में भी अगर आप देखें तो आशीष ने पहली गेंद पर कोशिश की थी कि रिवर्स के अंदाज में खेला जाए, ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया जाए, लेकिन उसमें असफल रहे क्योंकि यॉर्क लेंथ पर गेंद डिलीवर करने में कामयाब हुए थे गेंदबाज। ये ज़रूरी बन जाता है कि ये तो आपको हमेशा अच्छी गेंदबाजी करनी है, लेकिन जब सामने कुछ अलग लेवल के का टॉप लेवल के बैटर्स हों सो उनके खिलाफ जो गलती करने की गुंजाइश है वो आप बहुत कम से कम रखें, गलतियां जितना कम करें, चूँकि गलतियां करने के बाद फिर बचने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। और वही करते हुए गेंदबाज इस ओवर में आशीष जैसे बैटर्स को लगातार अगर आप इस तरीके से डॉट गेंदे खिला रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने बल्ले को खामोश रखें, सो एज ए बॉलर आपको प्राउड फील होता है। एक खराब गेंद और उस पे इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बड़े बल्लेबाजों के सामने गलती करके बचने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। विस्तार आईएनसी के 6 रन्स और अंपायर ने नो का भी इशारा किया है, सो अब 7 रन पिछली गेंद पे, अब ये फ्री हिट है, उस बॉल को फिर से करनी होगी। सो 3-4 आपने डॉट गेंदे की थी, एक खराब गेंद और पानी फिरता हुआ। नहीं, एक बार अगर गेंद को मिडल किया गया है वो सिक्सर जो आपने खाया फुल टॉस बॉल पे, उसके बाद तो ये होना था। अब ये गेंद बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन उस पे भी चूंकि आशीष ने पिछली बॉल पे 6 लगाया था और रंग वापस लौटा है, विस्तार आईएनसी के एक और सिक्सर, 2 लगातार आशीष के बल्ले से।
एक तरफ आशीष, उनके सामने अनमोल गोलछा। अगर ऐसी बल्लेबाजी क्रम हो, अगर ऐसे बैटर्स हो आपके पास, तो क्या ही कहने, कोई भी बॉलिंग यूनिट को ये मुश्किल में डालेंगे। संभवतः आखिरी गेंद ये इस ओवर की, जिस पर आशीष ने सिंगल लिया और ओवर थ्रो में चाहत थी कि दूसरा मिले, लेकिन गुंजाइश नहीं थी। सो सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। सात ओवर की समाप्ति के बाद 76 3 विकेट के नुकसान पर। सात ओवर के बाद 76 रन्स और अभी भी 18 गेंदें आनी बाकी हैं, और ऐसे में अनमोल गोलछा और आशीष के जैसा बल्लेबाज हो सो आप खौफ खाएंगे, आप खौफ ज़दा होंगे कि जो भी गेंदबाज आएगा गेंदबाजी के लिए, वो दबाव तो आपके गेंदबाजी के आने के पहले आपके ऊपर है। अब ऐसी कंडीशन नए ओवर की शुरुआत हुई, लेकिन इस ओवर की शुरुआत देखते हैं किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। डीप में है खिलाड़ी, क्या कामयाब हुए हैं कैच पकड़ने में? आशीष तो अभी भी देख रहे हैं कि क्या सफाई के साथ कैच पकड़ने में कामयाब हुए हैं या फिर कोई और निर्णय आता है। एम्पायर का इशारा आउट का आता हुआ, आशीष को जाना होगा डगआउट की तरफ। 23 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होते हुए आशीष जैन, ये 76 के स्कोर पर विकेट नंबर 4। अमर ब्रदर्स की अगर बात आप करें तो पिछला जो पहला एडिशन खेला गया JCL का, वहाँ पर इन्होंने ग्रैंड फिनाले खेला था, फाइनल मैच खेलने वाली ये टीम है। और ऐसे में जब आप फिर से एक नया एडिशन में मैदान पर उतरने हैं तो आपके तमाम वो चाहने वाले और एज अ टीम भी आप अपनी साख के लिए, अपने सम्मान के लिए भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हैं, लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ जाती है। अभी तक अगर JCL सीजन 2 की बात करें तो पहला मैच उन्होंने गवाया है, लेकिन इस मैच में कहीं ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलती हुई टीम अमर ब्रदर्स। नए बैटर आए और ऐसा लगा कि ये डगआउट से ही सेट होकर आए, पहली बॉल पर ही विस्तार INC के 6 रन। शरण जैन है न्यू बैटर और ऐसा लगा ही नहीं कि पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, आते ही साथ टूट से पड़े उस गेंद पर और ऐसा लगा मानो डगआउट से ही इनका इंजन गर्म था। आए और सिक्सर के साथ पारी का आगाज कर दिया और उसके बाद ये एक्स्ट्रा। कई बार आप ये देखते हैं कि जब ये बड़े शॉट्स आए, सिक्सर्स आए, फिर ऐसे में बॉलर्स का थोड़ा स्टंप्स के इधर उधर जाना जाना ये नेचुरल भी है, दबाव आपके ऊपर बनता है, आप नहीं चाहते कि फिर से बड़ा शॉट खाएं। ये डिफरेंट लाइन, डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट रिजल्ट। जिस गेंद पे सिक्सर लगा वो रीच में थी, इस बार अगर आप देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गुड लेंथ के आसपास उसको पिच कराया गया, अच्छा बाउंस भी। जयेश गेंदबाजी कर रहे हैं, जयेश जैन है, 2 विकेट्स इन्होंने लिए हैं अब तक गेंदबाजी करते हुए और 2 की कोशिश है। जब तक कलश कोठारी उस गेंद को फील्ड करेंगे और लौटाएंगे, अपील तो है रन आउट की और इस मर्तबा एम्पायर ने थर्ड एम्पायर का रुख किया है। तीसरे एम्पायर की मदद मांगी गई है और अब मेरा ऐसा मानना जो फर्स्ट लुक में, जो पहली नजर में नजर आया, शायद पहुंच गए हैं। फिर भी अगर अंपायर्स का भी जो पहला सॉफ्ट कॉल आता है ना, वो भी उनका भी वही आता हुआ और फील्डर कहते हुए, मुकेश वहां से कहते हुए, सर आउट है।
देखते हैं। देखिए फील्डिंग यूनिट तो चाहेगी ना कि वो तो चाहते ही हैं कि विकेट मिले। अब हर किसी की निगाहें स्क्रीन पे हैं, तीसरे अंपायर्स का इंतज़ार है उनके डिसीजन का। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अगर आप शरद को देखें, अनमोल को देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको विश्वास है कि हम सेफ हैं। JCL का आज ये दूसरा दिन, आज के इस सेकेंड डे का ये आखिरी मैच आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ प्रतीक टाइल्स आपको नजर आ रही है फील्डिंग करते हुए, तो अमर ब्रदर्स अंशुल बोहरा एंड कंपनी पहले बैटिंग। अभी तक अगर आप इस मैच में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो मिला जुला रहा है, खास करके अगर आप प्रतीक टाइल्स के परफॉर्मेंस की बात करें। खुश होंगे अमर ब्रदर्स जिस तरीके से उन्होंने अभी तक रन बनाए हैं। अब ये जो आखिर के कुछ ओवर्स हैं, यहाँ पे जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलती है, जब आप सेकंड इनिंग में आएंगे सो आपके पास मोमेंटम होगा, आपके पास वो लय होगी, और पहली इनिंग में अगर आपने अच्छा खेला होता है तो आप फील गुड फैक्टर के साथ मैदान में उतरते हैं और उसका कहीं ना कहीं बहुत असर मिलता है। सो मेरा हमेशा ऐसा मानना कि जब आप पहली इनिंग के लास्ट के कुछ ओवर्स खेल रहे होते हैं सो वहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलें। शायद ये क्लोज कॉल है, चूंकि इतना अगर वक्त लिया जा रहा है सो काफी टफ होगा तीसरे अंपायर्स के लिए भी, लेकिन देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। और ये आप ग्राउंड पे जो प्लेयर्स कर रहे हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल मत जाना। सो काफी क्लोज था और ऐसे में अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को दिया, नॉट आउट का इशारा अंपायर के द्वारा। Benefit of doubts always goes to batters. So, बच गए हैं। Not out. Anmol and Sharad है strike पे। शरद थे स्ट्राइक पे और ये तो आते ही इन्होंने इनके इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए हैं। पहली बॉल पे इन्होंने अपना काउंट खोला था, वो भी मैक्सिमम था, और इस दफा फिर से आप देखिए। सो अभी चार पांच गेंदे ही इन्होंने सामना किया है, या फिर शायद जी हाँ चार गेंदे, एंड चार गेंदों में दो विस्तार INC के 6 रन। अब हम बातें कर रहे थे आशीष की, हम बातें कर रहे थे अनमोल गोलचा की, लेकिन उनको बाद में देखना आप, पहले नजर रखें शरण जैन पे। आठवें ओवर की अंतिम गेंद, जैश के स्पेल के दो ओवर कंप्लीट हुए, 20 रन जैश ने दिए 2 विकेटों के नुकसान पे। 8 के बाद अमर ब्रदर्स 91 विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो अंशुल बोहरा ने आउट होने से पहले 17 गेंदों में 37 रन बनाए, 4 सिक्सर्स उनकी पारी में रहे। अनिरुद्ध जैन ने एक चौका और एक सिक्सर लगाया, 6 गेंदों में 11 रन बनाए। आशीष जैन बहुत अच्छी लय में लग रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज से आउट हुए, 18 गेंदों में 23 रन बनाया आशीष जैन ने। अनमोल अभी भी एक एंड पर हैं और अब तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है अनमोल ने। शरण जैन 2 सिक्सर की मदद से 5 गेंदों में 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 91 पे जा पहुंची है अमर ब्रदर्स की गाड़ी 8 ओवर के बाद। अब ये 2 ओवर अंतिम के, ये 2 ओवर शेष हैं, दोनों बहुत विशेष हैं। ओवर के शुरुआत और अनमोल गोलचा बताते हुए कि वो कौन है, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करते हुए पहली बॉल पर ही एक टॉप क्लास का खिलाड़ी विस्तार INC के सिक्सर के साथ अकाउंट ओपन करते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ही बड़े हैं, आप लगातार काम ऐसे किए हैं कि लोगों के दिलों में आप धड़क रहे हैं। वेल डन अनमोल गोलचा।
हमारे बारे में जो राय है बिल्कुल सही है। अनमोल गोलछा यहाँ पे जरूर स्लिप हुए, लेकिन उनके बल्ले से निकली हुई जो गेंद थी वो सीमा रेखा के बाहर जाके रुकी। वन मोर विस्तार एनसी सिक्सर, टू ऑन टू नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। अनमोल गोलछा इज ऑन फायर, टू ऑन टू। क्या ये तीसरा भी आ रहा है? क्या ये तीसरा सिक्सर? जी हाँ, या नहीं, या नहीं। ओहो, वेल डन करण। एक समय तो ऐसा लगा मान जबकि हवा में थी कि शायद जा रही हो, लेकिन करण फिर वो उड़ते हुए स्पाइडरमैन की तरह आ गए। 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है अमर ब्रदर्स की टीम ने, 103 पर पहुंचे हैं। ये तो अब किसी के पास कोई चांस नहीं, आप पकड़ेंगे भी तो कैसे पकड़ेंगे। इस ओवर का ये तीसरा सिक्सर्स 4 गेंदों में, और बल्लेबाज वही है अनमोल गोलछा। हर खिलाड़ी काम के, सबका अपना मोल, जो मुश्किल में काम आए वो है अनमोल। अनमोल गोलछा मतलब एक ही शाम में तुम पूरे 7 दिन के पास होना चाहते हो। अनमोल गोलछा को मैं जब जब देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ताकत और नजाकत का परफेक्ट एग्जांपल शो करते हैं। इनकी बैटिंग, ओहो, और शरण के बल्ले से ये बड़ा शॉट की कोशिश, ये क्या हुआ? मुझे तो शायद जब गेंद बल्ले पे लगी ऐसा लगा कि शायद ये मैक्सिमम के लिए जा रही है, लेकिन गेंद हवा में जब गई तो वहां अचानक जैसे आपने देखा तो रुक सी गई। विकेट मिलता हुआ, ये बड़ा विकेट, बड़ी सफलता। ओवर समाप्त हुए 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 110, 5 विकेट के नुकसान पर आउट हुए शरण, जिन्होंने बनाए 14 रन 6 गेंदों पे। 110 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ ओवर नंबर 9 ओवर्स हैव बीन बोल्ड। लास्ट 6 बॉल्स टू गो। पिछले मैच में हमने देखा कि 134 रन्स का जो एक बड़ा सा टोटल था वो भी सेफ नजर नहीं आया। सो अब यहाँ पे इन लास्ट के आखिर के 6 गेंदों में अमर ब्रदर्स चाहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बने वो बनाए जाएं। एट द सेम टाइम अगर आप प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स हैं तो आप चाहेंगे कि रोक के रखा जाए, और ख़ास करके अनमोल गोलछा को। बहुत मुश्किल टास्क होगा ये जो भी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं कलश कोठारी नजर आते हुए। कलश की अगर आप बात करें तो पहला ओवर इन्होंने ठीक ठाक डाला था, लेकिन अब यहाँ पे सामने बल्लेबाज दूसरा है। जी हाँ, लोग सही कहा आपने कि पहला ओवर ठीक ठाक डाला था, सिर्फ 6 रन दिया था 6 गेंदों में, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर आता हुआ ये सिक्सर विस्तार आईएनसी सिक्सर, क्योंकि बल्लेबाज दूसरे हैं। अनमोल के बैट से निकलता हुआ आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ये विस्तार आईएनसी सिक्सर। कहानी अगर आप देखें तो फिर बहुत ज्यादा हसीन रही है। जेसीएल का दूसरा सीजन हर मामले में कहीं ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ अगर आप कंपेयर करें सीजन 1 से। ये इस बल्लेबाज की साख है, आप देखिए कि नए बल्लेबाज आए पंकज झाबक, और यहाँ पे सिंगल आराम से मिलता, लेकिन पंकज को भी पता है कि ठीक है अगर अनमोल खेल रहे हैं तो इस सिचुएशन में इनसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज कोई नहीं हो सकता। बड़ा शॉट और रिजल्ट भी वही, गेंद जब इनके बल्ले से टकरा रही है तभी उस पर 6 रन का स्टैंप लग जा रहा है। जी संदाज से खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा हो ना कि वो बॉल नहीं कोई चिड़िया उड़ के जा रही थी, पंख लगे थे वो उड़ी चली जा रही थी।
अच्छा फील्ड, अच्छा फील्ड, दूसरे के लिए तो भाग जाएंगे ये। अब पंकज पहुंचे या नहीं पहुंचे ये अनमोल का काम नहीं, अनमोल को तो स्ट्राइक पे आना है। 124 रन पे स्कोर जा पहुंचा है, टू बॉल्स टू गो, नाइन बॉल्स में 33 बनाकर अनमोल खेल रहे हैं, 366 का स्ट्राइक रेट। इनके नाम का डंका सा बजता है पूरे रायपुर के क्रिकेट में, राजनांदगांव के क्रिकेट में। दबदबा इस खिलाड़ी का ऐसा है कि जब भी मैदान पर उतरते हैं इनके मैदान में आने के पहले इनकी दहशत पहुंच जाती है, और वही दिखाते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं। पहली बॉल पे जब अकाउंट खोला गया वो सिक्सर्स के साथ, अब विस्तार आयसिक के सिक्सर्स की झड़ी लगाते हुए 6 सिक्सर्स इनके बल्ले से आ चुके हैं, 10 बॉल्स में 39 पे खेल रहे हैं ऑलमोस्ट 400 के स्ट्राइक रेट से। दो के लिए भागना चाहेंगे, क्या पहुंच पाएंगे या नहीं। जी हाँ, सो एक रन कंप्लीट हुआ, दूसरे के लिए गेंदबाजी एंड पे थ्रो अच्छा, एंड रन आउट होंगे पंकज जाबक, बिना किसी बॉल को खेले हुए वो आउट करार दिए जाएंगे। कुछ खेला एक भी बॉल नहीं बेचारे ने, और उनके नाम के आगे लिखा जाएगा आउट, रन आउट। सो टीम के लिए जो इनिंग चाहिए थे, जो आप उम्मीद कर रहे थे वो खेली है टीम के स्टार फॉरेन प्लेयर अनमोल गोलछा ने। इन्होंने 11 गेंदों में 40 रन बनाए, स्ट्राइक रेट आप सब देख रहे हैं 380 के 400 के आसपास, 363 के स्ट्राइक रेट से 131 बने हैं। पिछले मैच में 134 का टारगेट था, मैच लास्ट बॉल तक आया था। अब यहाँ पे क्या प्रतीक टाइल्स के पास वो बल्लेबाजी क्रम है जो इस बड़े से टारगेट के आसपास तक पहुंचे। प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स वो पहली टीम बनी जिन्होंने एग्जैक्ट 45 मिनट्स में अपने 10 ओवर कंप्लीट किए, और अब ये 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम दूसरी पारी का आगाज करेंगे ठीक 12:20 पर। तो आप ये जो स्टैट्स हैं इसको आप देख रहे हैं, प्रतीक टाइल्स की जो गेंदबाजी रही है, जयेश जैन के 2 ओवर्स, मुकेश जैन के 2 ओवर्स, मुकेश जैन काफ़ी महंगे रहे, 38 रन्स। पहला ओवर तो मुकेश का अच्छा था, लेकिन दूसरे ओवर में उनके 24 रन्स मुकेश के ओवर में आए थे, यस। सो उसके बाद के कुछ शैनी कुस्तवाल के 2 ओवर्स 33 रन्स, 2 ओवर्स कलश कोठारी के 27 रन्स। एक जो सबसे सफल गेंदबाज रहे वो 2 ओवर्स में 13 रन देके 1 विकेट लेने वाले नीरज जैन, 131 बने हैं, 132 का टारगेट होगा। साहिल जो मिक्सर पे बैठे हैं थोड़ा सा जो हैंडीकैप है उसको कवर करते हैं साहिल, यस। और अब रात के 12:15 के आसपास का वक्त है, आज दूसरा दिन जेसीएल का आखिरी मैच, ये एक से बढ़ के एक मैचेस आपने देखे जेसीएल में। मैं थोड़ा सा अगर हमारे जो कैमरामैन है tenskicker.in के, अगर इनसे रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा इस तरफ आप कैमरा लेके आए, सो यहाँ पे आप हमारे ऑफिशियल्स अंपायर सिद्धेश को आप देख रहे हैं, सिद्धेश जाते हुए ग्राउंड की तरफ, क्या लग रहा है 132 रन विकेट जो है बल्लेबाजी के लिए अभी भी अच्छी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये कहते हुए थैंक यू सिद्धेश। सो बहुत अच्छी है, अंपायर से अगर कह रहे हैं तो आप सोचिए विकेट कितना शानदार बनाया है पवन भाई, महावीर भाई एंड भावेश भाई ने, पूरी उनकी टीम ने। थोड़ा सा इधर से आप और पीछे आए, सो हमारी tenskicker.in की ये टीम जो लगातार कैमरे के पीछे आपको ये सारे कवरेज दे रही है, सारे जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये JCL की जो कहानी आप देख रहे हैं यूट्यूब से उसको दिखाने के ये स्टार्स, ये अक्षय आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अक्षय के साथ उनकी ये मंदार यहाँ पे नजर आते हुए, और यहाँ पे अगर आप देखिए सो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन सभी के दोस्त, चूंकि यहाँ पे ये बोन फायर भी हमने किया हुआ है, थोड़ा सीधा आ जाते हैं, आइए सर थोड़ी बातें करते हैं। कहाँ जा रहे हैं?
अच्छा ये तो सीधा यहाँ से घबरा के मुस्कुराते हुए गए, इतने प्यारे लोग हैं राजनांदगांव में। अरमान जब मैं यहाँ पे आया ना मुझे वो गाना याद आ रहा है कि वो पुराना सॉन्ग था ना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा के यहाँ पे रे। हाँ इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे। थोड़ा सा अगर इस तरफ मैं चलूँ तो ये हमारी और ये स्कोरिंग टीम जो लगातार आपको ये जो स्कोर है जो लाइव स्कोर आप देख रहे हैं आप ये उनको दिखा रहे हैं। यश ठाकुर थोड़ा यश हाई बैक कीजिए एंड उनके साथ हर्षिल राइट ग्रेट वर्क गाइस वेल डन। थोड़ा सा इस तरफ मैं आपको और लेके आऊँ। सो यहाँ पे एक और लड़का जो पूरे साल मुझसे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आलोक भैया कब आ रहे हैं राजनांदगांव कब आ रहे हैं बहुत मिस करते हैं आपको। सो भावेश यहाँ पे थैंक यू भावेश पूरे साल जो आप मोटिवेट करते रहते हैं और मैसेज आते रहते हैं ग्रेट टू सी यू। कैसा लग रहा है ये JCL कितना खास हो जाता है सबको जोड़ता है सिर्फ जैन समाज को नहीं मुझे लगता है ना ये हर एक खेल प्रेमी को जोड़ता है JCL। नहीं बहुत अच्छा लगता है यहाँ के हर साल आता हूँ मैं मैच बहुत अच्छा रहता है यहाँ का बस इतना ही। थैंक यू सो मच भावेश जी थैंक यू भैया। चलिए ले चलेंगे आपको सेकंड इनिंग की तरफ। 132 का एक बड़ा चेज है लेकिन बड़ा चेज आजकल बड़ा लग नहीं रहा है क्योंकि पिछले मैच में 134 रन भी हमने देखा कि लास्ट बॉल पे 6 रन आ चुका था मैच। सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ थैंक यू। चलिए दूसरी पारी का आगाज करते हैं ठीक 12:20 पर यह पारी शुरू होने जा रही है। 45 मिनट का जो समय एक मैच के लिए एप्लीकेबल है हर एक इनिंग इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है। महावीर ग्रुप में पहली बॉल जाती हुई विस्तार आईसी सिक्सर्स के लिए। जैसा मैंने पहले कहा कि 132 रनों का ये चेज बड़ा चेज भी कहां JCL में सेफ रहता है। शुरुआत विस्तार आईसी के सिक्सर्स के साथ और ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत करण सुराना पहली गेंद को सिक्सर ये इनका स्टाइल है ये आप एटीट्यूड देख सकते हैं। फिर से बैट बहुत तेज चला था एंड व्हाट अ कैच दिस इज नॉट इजी व्हाइल यू आर यू नो रनिंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन आई मीन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन backward direction and greatly taken well done keeper आशीष थे वहां पे। ये जो बड़े नाम हैं इसके लिए हम बार बार जिक्र करते हैं इनके काम भी बड़े हैं तब जाके नाम बनते हैं। ये रिप्ले आप लोग देखिए बहुत टफ होता है जब आप रिवर्स रन कर रहे हो और वैसे में ये कैच आखिरी समय तक अपनी निगाह इन्होंने गेंद पे बनाई रखी। करण का बड़ा विकेट मिला पहली बॉल पर ही सिक्सर और उसके बाद अपना विकेट इन्होंने गंवाया। फिर से बड़ा शॉट खेलने चाहते थे कैप्टन अंशुल बोहरा ने वापसी की। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन अभिनाम जैन लकी। पहली गेंद पर करण ने सिक्सर लगाया था लेकिन युवा खिलाड़ियों की ये एक दिक्कत हमेशा रही है कि अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं करण लेकिन एक सिक्सर लगाने के बाद एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाहत जिसके चलते दूसरी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे।
जबरदस्त गेंद, बेहतरीन वापसी। छह रन अब तक। अनमोल की एक और बेहतरीन गेंद और अभिनम भी समझ नहीं पाए इस गेंद को, एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, छह के स्कोर पर विकेट नंबर टू। अनमोल गोलचा, पांच गेंदें, एक सिक्सर आया है जरूर इस ओवर में, लेकिन खुशी की बात यह होगी अनमोल के लिए कि दो विकेट्स लेने में कामयाब हो चुके हैं। पहले आउट किया करण को, फिर उसके बाद आउट किया अभिनम जैन को, और अब एक और नया बल्लेबाज करण के रूप में, करण जैन। रक्षात्मक अंदाज में खेला नए बल्लेबाज करण जैन ने, पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6, दो विकेट के नुकसान पर। मैच रेफरी मुझे याद दिलाते हुए कि अरमान भाई, पहला मैच हो या आखिरी मैच हो, 45 मिनट का वो जो समय है 10 ओवर के लिए, वो हर एक इनिंग में लागू है। अगर 45 मिनट में नहीं समाप्त होते हैं 10 ओवर, तो ऐसे में पेनल्टी दी जाएगी। दो मैचेस में हमने देखा जब टीमों को आखिरी ओवर 4 बाउंड्री लाइन प्लेयर के साथ में करना पड़ा। नो बॉल का इशारा है एम्पायर की तरफ से, लेग एम्पायर की तरफ से नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट भी आती हुई एम्पायर के द्वारा। ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, एक्स्ट्रा में एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। फ्री हिट गेंद है तो बोल्ड के रूप में आउट होने का डर है नहीं। अंकित काकरिया जी बैटिंग पर है स्ट्राइकिंग एंड पर। जो लोग YouTube पर जुड़े हुए हैं, ये आज की शाम का आखिरी मैच है जहां जीत के लिए 132 रन। और ये लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया, ऐसे वन बाउंस इनटू द फेंस, ये निकलता हुआ firstcry.com चौका। अंकित भाई आवाजें आती हुई डगआउट की तरफ से,
डगआउट के हमारे स्पॉन्सर गुरुदेव राइस हैं। एक सौ बत्तीस का पीछा करते हुए पहले नौ गेंदों में 13 रन बनाने में कामयाब हुई है। चलिए जुड़ते हैं वीआईपी स्टैंड में, कुछ फैमिली मेंबर्स अभी भी मैदान में हमें नजर आ रही हैं। रात के 12:30 बज चुके हैं और इस बार बेहतरीन अंदाज से खेला गया स्ट्रोक। सदर पाटा ग्रुप स्टैंड की तरफ गेंद चली गई, वन बाउंस इनटू द फेंस, ये निकलता हुआ चौका। firstcry.com 4 रन। इस समय मैं जुड़ चुका हूं वीआईपी स्टैंड में, जहां पर करण और शरण के पिताश्री श्रीमान अशोक जी जैन हैं और करण एंड शरण की धर्म पत्नी भी यहां पर हैं, सो इनका भी बहुत वेलकम है। सो दोस्तों, ये भाई वर्सेस भाई का मुकाबला था जहां पर करण ने दो चौके लगाए इस ओवर में शरण के खिलाफ। शरण और करण के पिताश्री आदरणीय श्रीमान अशोक जी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आप देखें तो करण जी की अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी, और दूसरी तरफ शरण जी की अर्धांगिनी यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आप लोगों का। और ये दोनों भाई अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं। करण खेल रहे हैं बल्लेबाजी में प्रतीक टाइल्स के लिए और शरण खेल रहे हैं टीम अमर ब्रदर्स के लिए। सो पहले शरण जी की ड्राफ्ट से जुड़ते हैं। मैम, क्या लगता है आपकी टीम शरण जिसमें खेल रहे हैं, जो अमर ब्रदर्स की टीम है, वो जीतेगी? लग रहा है आपका दिल क्या कह रहा है? दोनों ही टीम मेरी है। आप कैसे कहें कि देवर जी की टीम को कमजोर कैसे कह सकते हैं? आप किसके साथ जाएंगे सर? अच्छा, वो जेट है। ओके, सो छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी यहाँ पर है, पिताश्री मेरे साथ में है, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना है तो किसको चुनेंगे आप? कौन सी टीम को, येलो वाली जो फील्डिंग कर रही है अमर ब्रदर्स या फिर बैटिंग कर रही टीम प्रतीक टाइल्स? जैसे बताई दोनों ही टीम मेरी है, तो चूज कैसे करूंगी? देखिए, ये सभी बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि एक ही घर में रहना है इसलिए जानते हैं कि एक को नहीं चुन सकते। हम दोनों के साथ जाएंगे, करण भी अच्छा खेले, शरण भी अच्छा खेले, और जिसे जीतना है वो जीते, हम दोनों के सपोर्ट में। आप क्या कहेंगे? अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो करण जी की बेटर हाफ यहाँ पर है। मैम, लग रहा है आपकी हस्बैंड की जो टीम है वो जीतेगी? मेरे दो अनमोल रतन, जो भी जीते सही है भैया। ये देवरानी जेठानी दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं, आप किसी भी एक टीम के साथ नहीं जाएंगी, ये दोनों टीमों के साथ में है और कह रही है कि जो भी खेले हमारे दो अनमोल रतन है, दोनों अच्छा खेलेंगे और दोनों टीम में से जो बेहतर करेगी वो जीतेगी। चलिए जुड़ते हैं हम अशोक जी के साथ में। करण जी और शरण जी के पिताश्री आदरणीय श्रीमान अशोक जी हैं। अशोक जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, जब लाडले खेलते हैं, मैच इतना बेहतरीन है, रात्रि का वक्त, अंशुल गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव कैसा होता है जब परिवार खेलता है, बच्चे खेलते हैं और हम रात्रि के 12:30 बजे उसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? बस हम तो क्रिकेट का एंजॉय करने आए हैं, और हालांकि दोनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैच ड्रा हो जाए दोनों को एक एक अंक मिल जाए। सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी दिली ख्वाहिशें हैं, और अशोक जी का मानना है कि जब दो लाडले खेल रहे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं, तो कोई ना जीते, दोनों सेम समानांतर गति से आगे बढ़े। जिंदगी में एक पिता हमेशा यही चाहता है कि मेरा हर बच्चा, मेरा हर लाडला बुलंदियों को छुए, सक्सेसफुल बने। इसलिए एक पिता के लिए किसी भी एक को चुनना ये बहुत मुश्किल है, ये दोनों ही बच्चों के साथ हमेशा जाएंगे। और क्रिकेट के ताल्लुक से अगर मैं कहूं अशोक जी, ये पूरा आयोजन जो 7 दिनों का
जैन चैंपियंस लीग यहां पर होता है, जिसमें 7 शाम हम लगातार मैचेस खेलते रहते हैं। एक तरह से ये फेस्टिवल सा है, एक तरह से ये एक कहते हैं ना त्योहार जैसा है 7 दिनों का। सो ये 7 दिनों में क्या क्या लगता है जो पूरे राजनांदगांव को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, और आपके लिहाज से ये कितना फायदेमंद है हमारे युवाओं के लिए? बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ये तो आईपीएल जो सीजन फर्स्ट हुआ था उसके बाद ये सीजन 2 हुआ, मतलब कह नहीं सकते, इतना शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए। वाकई अब किसी भी परिवार के लिए शब्द नहीं कि कितना बेहतरीन आयोजन ये। और यहाँ पर जबरदस्त शॉट, क्या ये करण के बैट से है या फिर अंकित के बैट से निकलता हुआ ये आसमानी सिक्सर, विस्तार आईएनसी सिक्सर, और इस सिक्सर की मदद से स्कोर हो गया है 34। दोस्तों ये परिवार का आयोजन है, पूरे जैन परिवार का आयोजन है। जितने भी राजनांदगांव के जैन कम्युनिटी के भाई बंधु हैं वो खेल सकते हैं इसमें, साथ ही साथ रायपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास के एक एक फॉरेन प्लेयर्स भी हर एक टीम में है। और जैन धर्म जो आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में सबसे समृद्ध अगर कोई कम्युनिटी है तो वो जैन कम्युनिटी है, और जैन कम्युनिटी अहिंसा परमो धर्म, जिए और जीने दो के नारे के साथ हमेशा पूरे कम्युनिटी को आगे लेकर चलते हैं, पूरे देश को आगे लेकर चलते हैं, और पूरे विश्व में सभी के साथ मिलजुल कर आप अपनी भी जिंदगी खुशी से जिए और दूसरों को भी जीने दें। ओवर समाप्त हो गया 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद अदा करूंगा मैं अशोक जी का, करण जी की बेटर हाफ का और शरण जी की बेटर हाफ, थैंक यू सो मच पूरे परिवार का यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप यहाँ बॉक्स में आकर लोगों का इंजॉय करवाते हैं, ऐसा लगता है कि हम जाके वहाँ मैदान में बैठें और आप लोगों से बातें करें। क्या बात है, बहुत बहुत आभार अशोक जी, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है जो आज पिछले 15 वर्षों से लगातार आप लोगों की सेवाओं में, जो ये कुछ शब्द हमारी जुबान से सरस्वती माता हमारी जुबान से निकालती है और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि ये जो प्रेम आप लोगों का मिलता है ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो ये आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद है। आप लोगों का भी बहुत आभार अशोक जी और पूरे परिवार का धन्यवाद। लिए चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ, बातें करते हैं हम कुछ और लोग जो अभी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आखिरी मैच में। 3 ओवर में 30 आशीष आए हैं गेंदबाजी के लिए, ओवर नंबर 4 अपील की जा रही है लेकिन अंपायर वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। ज्यादातर प्लेयर्स ही यहां पर हम जुड़ेंगे, यहां पर साइड स्क्रीन के करीब बैच जी हमारे पास है और जो लोग YouTube पर हमें लाइव देख रहे हैं मैं जुड़ चुका हूं इस समय साइड स्क्रीन की बाईं तरफ जहां पर ज्यादातर प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, सुनील भाई नजर आ रहे हैं आपको, साथ ही साथ अरिहंत दाल उद्योग और रोशन भाई। कल शाम रोशन भाई की बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन रही थी, हमने देखा था तकरीबन 9 सिक्स रोशन भाई की पारी में हमें देखने को मिला था और 60+ रन बनाए थे, बहुत ही जबरदस्त पारी रोशन जी ने खेली थी। हालांकि उस पारी से बेहतर पारी दूसरी इनिंग में आई और जिसकी वजह से मैच उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन इस तरह के परफॉर्मेंस जो होते हैं वो जहन में बैठ जाते हैं। चलिए तो रोशन जी से ही जुड़ते हैं। रोशन जी कैसा अनुभव रहा कल रात्रि के वक्त खेलते हुए जब आपकी टीम ने 117 रन बनाए, क्या लगा आपको कि आपकी गेंदबाजी कमजोर रह गई थी या फिर आपके सामने सौमिल की बल्लेबाजी का कोई जवाब ही नहीं था? एक्चुअल में हमसे कैच जो मिस हो गया वो टर्निंग पॉइंट हो गया, अगर वो कैच 51 रन पे हम ले लेते सुमिल का तो डेफिनेटली हम वो कैच एक जो स्लिप हुआ वो टर्निंग पॉइंट हो गया उस मोमेंट में। कल भी हमने देखा 117 बना, 118 चेज हो गया, आज भी देखा कि तकरीबन 137 ऑलमोस्ट होने रहा था, केवल 5 रन दूर रह गई टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस। तो क्या मैं एज अ बैटर एज अ प्लेयर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिच जो ये बल्लेबाजी को सपोर्ट करने वाला पिच है क्या ये सही होगा?
हाँ बॉल तो अच्छी आ रही है बैट में, सब अच्छा ही खेल रहे हैं वैसे भी। तो क्या हम इस की भी उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज 88 रन देखा हमने, 68 देखा, 65 भी देखा जब नमन ने बैटिंग की, 50 हमने देखा, आकाश के 48 रन भी देखे और उसी इनिंग में श्रेयांश के भी सेवन के आसपास रन देखे। और यहां पर शायद क्या क्या स्टंप्स पर लगी गेंद या फिर पैरों पर, बहुत करीबी था ये मामला, भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज की बेल्स डिसलॉज नहीं हुई, क्योंकि बल्लेबाज आउट दिए जाते हैं जब बेल्स डिसलॉज होती है, स्टंप से गिर जाती है। चौथा ओवर चल रहा है और इस समय स्कोर जो है वो 41 है। इस चर्चा को जारी रखेंगे इस आखिरी गेंद के बाद और आखिरी गेंद पर भी कोई खास रन नहीं, चार ओवर समाप्त हो गया, चार ओवर के बाद 41 रन है। तो क्या ये मैं उम्मीद लगाऊं कि इस संस्करण में, जेसीएल के दूसरे एडिशन में, हमें एक बल्लेबाज की सेंचुरी भी शायद देखने को, और वो बल्लेबाज रोशन हो? देखिए सेंचुरी इतना इजी नहीं है मारना, और मेरे को लगता है कि कोई अगर ओपनर बैट्समैन है वही सेंचुरी मारेगा, क्योंकि 10 ओवर्स की मैच में सेंचुरी थोड़ा टफ होता है, तो जो ओपनर बैट्समैन है उसकी चांसेस ज्यादा है। सवाल आपसे रोशन भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहता है जेसीएल में खेलते हुए, 7 शाम और लगातार मैचेस, हर एक टीम को 4 मैचेस मौका मिलता है, तो कैसा अनुभव रहता है जेसीएल में खेलते हुए एज अ प्लेयर, एज अ यू नो टीम मेंबर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीम? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर मैचेस टाइट हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है टूर्नामेंट, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है एकदम, और हम उम्मीद करते हैं एज अ प्लेयर कि ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहें, आगे हम ऐसे खेलते रहें, तो थैंक्स टू द कमिटी। बहुत बहुत आभार रोशन जी, आप प्रदर्शन है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले मैच में और बेहतर आए और आपकी टीम अगले पड़ाव में जीत के साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच रोशन भाई। थैंक यू सो मच रोशन जी को आपने देखा स्क्रीन पर, और शाम का ये आखिरी मैच है, अगर डगआउट्स पर नजरें डालें तो सदरपाटा ग्रुप, महावीर ग्रुप, नेव टीएमटी, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारख नर्सिंग होम और सोनराज त्रिलोकचंद स्टैंड पार्टनर, यस नो और आखिरकार वो खतरा बन ही गया, तालमेल जो बिगड़ रहा था, हालांकि थर्ड एम्पायर का रुख लिया है ऑन फील्ड एम्पायर ने, देखते हैं थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या आता है। 41 था स्कोर इस ओवर से पहले और ये थर्ड एम्पायर का डिसीजन पेंडिंग। वी आर वेटिंग फॉर थर्ड एम्पायर डिसीजन। थर्ड एम्पायर कंफर्म कर रहे हैं कि क्या सही निर्णय है, और थर्ड एम्पायर का निर्णय आउट का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से, थर्ड एम्पायर ने आउट घोषित किया। और एम्पायर का इशारा आता हुआ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
सो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इस समय चलता हुआ 42 के स्कोर पर ये रन आउट के जरिए विकेट गिरा, चौथा विकेट। सो रन आउट के जरिए आउट हुए यहां पर बल्लेबाज श्रेनिक ओस्तवाल। एक एंड पर करण जैन अभी भी टिके हुए हैं और एक नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। अंशुल बोहरा अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक ओवर में अनमोल ने गेंदबाजी की, एक ओवर में शरण ने गेंदबाजी की, एक ओवर में आशीष ने गेंदबाजी की। विकेटों पर अगर नजर डाली जाए तो पहला विकेट 6 पर गिरा, दूसरा भी विकेट 6 पर गिरा, तीसरा विकेट 41 पर और चौथा विकेट 42 रन पर अभी अभी गिरा। नीरज जैन नए बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 132 का लक्ष्य है और अब तक धीमा है रनों का जो सफर। ये आई थिंक समझ नहीं पाए बल्लेबाज, कोई शॉट अटेम्प्ट नहीं किया बैटर ने। प्रतीक टाइल्स को चाहिए कि बड़े स्ट्रोक आए क्योंकि अब तक रनों की जो अंदाज है, रनों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। ओपनिंग क्रम के बल्लेबाजों में मात्र अंकित एक ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने थोड़ा इंटेंट दिखाया था, 2 चौका 1 सिक्सर भी लगाया था। करण जैन ने 3 चौके अपनी पारी में लगाए हैं। सो अब जरूरत है बड़े स्ट्रोक की क्योंकि 132 को अगर आप चेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर ओवर में चौके आए। सिंगल भी जरूरी है लेकिन वो कहते ना कि अगर आपको एक समुंदर पार करना है तो जहाज में सवार होना पड़ेगा, समुंदर आप लाइफ जैकेट से पार नहीं कर सकते। लाइफ जैकेट पहनकर आप जीवित तो रहेंगे लेकिन समुंदर पार नहीं होगा। और 2 मर्तबा गेंदों को ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं। अब जो नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ये कहते हैं कि बल्लेबाज की रीच में अगर ये गेंद है तो वो वाइड नहीं। और इस बार तो रक्षात्मक अंदाज में खेला करण जैन ने। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हो गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन और अब आने वाले 5 ओवर में 90 रन और चाहिए। एक और बहुत ही अच्छा जो अनुभव रहता है बीइंग अ कमेंटेटर, मैं अरमान और मेरे साथ आलोक के लिए ये भी रहता है कि रात्रि के 12 बजे 2 बजे 4 बजे जो जनरली मुंबई में इन साउंड की लिमिटेशंस की वजह से परमिशन ना मिलने की वजह से नहीं हो पाता, वो एक डिफरेंट अनुभव हमें यहाँ पर मिलता है राजनंद गांव में। खासतौर पर ना केवल राजनंद बल्कि जब हम राजस्थान जाना होता है, गुजरात जाना होता है या फिर और अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता है तो रात्रि के समय की जो कमेंट्री का एक फील है, जो अनुभव है, वो भी जीवन में यादगार अनुभवों में बन जाता है। बहुत ही अविस्मरणीय जो यादें यहाँ से हम लेकर जाते हैं पूरे साल भर पूरे वर्ष भर हमारे जहन में रहती है। पांच ओवर के बाद 42 बने हैं। संस्कारधानी राजनंद गांव की एक खास बात यह भी है कि यहां का हर व्यक्ति जिस प्रेम के साथ आपसे मिलता है और जिस आतुरता से आपका इंतजार यहां पर होता है एज अ कमेंटेटर, वो हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। पवन भैया का प्रेम, महावीर भैया का प्रेम और भावेश जी का प्रेम, साथ ही साथ पूरे राजनंद गांव का प्रेम जो हमें मिलता है वो वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
नया ओवर शुरू हुआ, आशीष गेंदबाजी करने आए हैं। 90 रन चाहिए, अब तो 29 गेंदें ही बची रह गई हैं। गेंदें आ नहीं रही बल्ले पर। नीरज तो अभी अभी मैदान पर आए हैं, उनका तो खाता भी खोलना बाकी है। 28 ही बॉल अब बचे रह गए हैं और 28 बॉल में 90 की जरूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान तू हमें नवाजता है, तू हमें प्रदान करता है। ये तेरा करम है हम पर, वरना हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो आपकी नवाजिशों के लायक तो नहीं। हमारी भक्तियां, हमारी दुआएं आपकी नवाजिशों को कहां पा सकती हैं। इस दरमियान ये स्ट्रोक अच्छा है नीरज के बल्ले से और ये आता हुआ सिक्सर। 26 गेंदों में 90 चाहिए थे और ये सिक्सर के बाद अब 25 गेंदों में 84 रन की जरूरत। गैप में है स्ट्रोक, चार मिल जाएगा आसानी से। सो पहली चार गेंदों में भले ही रन ना आए हों, लेकिन आखिरी दो गेंदों में दो अच्छे शॉट देखने को मिले नीरज जैन के द्वारा। ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो गई और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 4 ओवर में 80 रन चाहिए, 4 ओवर्स 80 मोर रन्स रिक्वायर्ड। हर ओवर में 20 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाजी कर रही टीम और हम टाइल्स एंड मार्बल्स को प्रतीक टाइल्स को बल्लेबाजी कर रही है प्रतीक टाइल्स की टीम, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स। अमर ब्रदर्स खुश होंगे कि 132 बना लिए, 131 बनाए पहले और उसके बाद अब 6 ओवर में केवल 52 ही खर्च किया है। चार ओवर में चाहिए 80 रन। शरण आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक बार फिर से शरण वर्सेस करण। हमने बातें की शरण और करण के परिवार से, फैमिली यहां पर है, सपोर्ट कर रही है हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को। यूं तो पूरा जैन समाज एक परिवार है। फिफ्टी 53 हुआ है स्कोर। ये रहती हुई डॉट गेंद, एक तरफा ही अब तक नजर आया है मुझे मुकाबला, क्योंकि अगर आप देखें 132 जब बन गए उसके बाद से ही बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स। लेकिन ये खेल है और इसमें वक्त बदलने टाइम नहीं लगता, बाजी पलटने वक्त नहीं लगता। नीरज के बैट से आता हुआ ये सिक्सर, मंजिल अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है।
लेकिन कब पाशा पलट जाए, कब बाजी बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। गेंद फेंक दें, दूसरी गेंद फेंक दें मैदान पर प्लीज। इस सिक्सर की मदद से स्कोर हो गया है 60 रन, अब 21 गेंदों में 72 रन चाहिए। हालांकि अभी भी तकरीबन 20 रन प्रति ओवर के ऐसे ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और ऐसे में हर ओवर में कम से कम 3 सिक्सर्स लगाने होंगे। नीरज ने अब तक 2 सिक्सर्स लगाए हैं। क्या ये एक और होगा? जी नहीं, डीप में अंशुल मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, मात्र 1 रन दौड़ कर लिया गया। अब आवाजें आती हुई यहां पर डगआउट से। स्कोर और इसके बावजूद कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, लेकिन देखने में यह बेहतर लग रहा है कि प्रतीक टाइल्स का खेमा मुस्कुराता हुआ एंजॉय करते हुए इस लम्हे को। प्रतीक टाइल्स, प्रतीक जी भी स्वयं खुद मुस्कुरा रहे हैं। इन सिंगल से काम बनेगा नहीं। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो गया 7वां। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 3 ओवर और 3 ओवर में चाहिए 70 रन। प्रतीक जी यहां पर नजर आ रहे हैं डगआउट पे। गुरुदेव राइस हमारे डगआउट के स्पॉन्सर, जनरली जिस टीम का मैच चल रहा होता है उससे बातें नहीं करते, लेकिन ये हमारा एक परिवार का आयोजन है तो ऐसे में इन सभी चीजों को हम जरूर करना चाहेंगे। प्रतीक जी क्या लग रहा है, 18 पे 70 अभी भी कोई उम्मीद है या फिर आपने भी उम्मीद छोड़ दी है? ये जो बैट्समैन खेल रहा है करण कोचर, ये 6 बॉल में 6 छक्के मारा है पिछले टूर्नामेंट में, तो उम्मीद तो बहुत है। और नीरज जैन भी जो है फॉरेनर है हमारे, बहुत तगड़े बैट्समैन है, तो उम्मीद तो हमारी अभी भी पूरी कायम है। उम्मीदें अभी भी कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा हम लगातार सुनते हैं। और उम्मीद पर अभी भी प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स जीवित हैं कि 3 ओवर अभी भी हैं और 3 ओवर में 70 हुए तो क्या हुआ। हमारे बल्लेबाज में से करण एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाल ही में जो एक टूर्नामेंट खेला गया था उसमें 6 गेंदों में 6 सिक्सर्स लगाने वाले बल्लेबाज बने थे, तो उम्मीद तो है अभी भी। 70 चाहिए आने वाली 18 गेंदों में। प्रतीक जी क्या लग रहा है कि गेंदबाजों ने ज्यादा रन खर्च कर दिए या फिर बल्लेबाजी का जो इंटेंट शुरुआती ओवर्स में रहा उसकी वजह से इस समय जो डिफिकल्ट हालात हैं, किसको आप दोषी ठहराएंगे, गेंदबाजों को या फिर बल्लेबाजों को? इंटेंट हमारा बॉलिंग के समय अच्छा था, रन जरूर ज्यादा पड़ गए जितना हमने सोचा था उससे, पर थोड़ा सा बैट्समैन में भी कोलैप्स हुआ, पर अभी स्थिति अंडर कंट्रोल लग रही है और लगता है कि कुछ पलटेगा अभी मैच। उम्मीद है अभी भी कुछ चमत्कार होगा। नीरज हैं, करण हैं, तो 4 सिक्सर्स अगर लगते हैं तो अभी भी मोमेंटम वापस लौटेगा प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स के लिए। और ये क्या उनमें से पहला है? जी हाँ, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और नीरज ने बताया कि अरमान भाई ठहरिए, इतने जल्दी मत कहिए कि हमारे हाथ से ये मैच निकल गया। अभी हम हैं मैदान पर और जब तक रहेंगे मैदान पर तब तक लड़ाई जारी रहेगी, तब तक लड़ते रहेंगे। और कितनी आसानी से इस सिक्सर को कन्वर्ट किया, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल वहां पर और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। विस्तार INC सिक्सर। अब तो ये मैच सिक्सर्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा क्योंकि तकरीबन 11 सिक्सर्स या यूं कहूं 10 सिक्सर और एक चौका, क्योंकि 63 और बनाना है। ये गेंद डॉट हो गई तो अब 15 बॉल में 63 रन चाहिए। 15
बॉल 63 रन्स। प्रतीक जी, आपकी टीम के अलावा आपको और कौन सी एक ऐसी टीम लगती है जो फाइनल में इस मर्तबा जरूर पहुंचेगी, आपकी टीम और आशीष ज्वेल्स को छोड़कर अगर मैं पूछूं तो, कौन सी वो टीम है जो आपको लग रहा है कि ये फाइनल में तो जरूर पहुंचेगी? टीमें इस बार जिस प्रकार से ऑक्शन हुआ था, सभी ने अच्छी टीमें बनाई हैं, क्योंकि ऑक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ था और सारे अच्छे प्लेयर्स एक साथ नहीं आए थे ऑक्शन में, तो सबके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। और अगर अपनी टीम और आशीष जूल्स की बात छोड़ दूँ तो मुझे एक अरिहंत दाल उद्योग के अच्छे चांसेस लगते हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं और बाकी तो सभी टीमें अच्छा ही खेल रही हैं, तो लेट्स सी, मे द बेस्ट मैन विन। जी हाँ, मैं भी इस बात में सहमति रखता हूँ। इस दरमियान करण, जिनका बल्ला अब तक थोड़ा सा खामोश था, उनके बल्ले से निकलता हुआ ये मच नीडेड सिक्सर। सो इस ओवर में ये दूसरा सिक्सर तो आ गया। अब 13 गेंदों में 56 रन चाहिए, 9 सिक्सर्स तकरीबन और लगाने होंगे और एक चौका या फिर एक डबल, मतलब तकरीबन हर एक गेंद पर सिक्सर। क्या ये एक और है? जी हाँ, जितनी रफ्तार से गेंद आई उतनी रफ्तार से ये गेंद गई भी। करण जैन है बैटर और उनके बैट से निकलता हुआ ये एक और सिक्सर। चेज अभी भी जारी है, मैच अभी भी जारी है। अब 8 ओवर समाप्त हुए और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 82 रन। पिछले ओवर में 20 रन आए और अब आने वाली 12 गेंदों में 50 रन की जरूरत है, 12 बॉल 50 की जरूरत। अच्छा, दिलचस्प रहेगा आप ये देखना कि गेंदबाजी किसे दी जाती है, क्योंकि अंशुल के भी 2 ओवर कंप्लीट हो गए, अनमोल गोलचा के भी 2 ओवर कंप्लीट हो गए, शरण जैन के भी 2 ओवर कंप्लीट हो गए और आशीष जैन के भी 2 ओवर कंप्लीट हो गए। तो अब 2 नए गेंदबाज आने बाकी हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ कि समय भी ध्यान देते रहिए। आई थिंक 12:30 के आसपास मैच चालू हुआ इस पारी में, दूसरी पारी में बस चेक करते हैं, ऑन टाइम है। अगर 12:30 स्टार्ट हुआ है तो अभी आधा ही घंटा हुआ है। प्रतीक भाई, मेरा दिल ये कह रहा है कि अब मैच में रंग आ गया, बिकॉज 2 नए गेंदबाज आएंगे। 4 गेंदबाजों ने 2-2 ओवर करके 8 ओवर कंप्लीट कर लिया है और अब 2 नए गेंदबाज के लिए इन 2 सेट बैटर्स के खिलाफ गेंदबाजी करना, थोड़ा दबाव उनके ऊपर भी रहेगा। बारह पे चाहिए 50, इस तरह से तो नहीं काम चलेगा, वो वक्त हाथ से निकल गया जब आप रक्षात्मक अंदाज में खेलें। अब तो सिर्फ और सिर्फ आसमानी सैर करानी होगी गेंदों को, या कम से कम जमीनी सैर 4 रन के लिए। ये फुल टॉस अगर आएगी तो उसका हश्र यही होगा, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ एक और विस्तार INC सिक्सर। So, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स के टीम ओनर प्रतीक जी से हमने बात की और अब हम सह टीम ओनर को ओनर अंकित भाई से जुड़े हैं और ये एक और गेंद हवा में है, क्या पकड़े जाएंगे? जी नहीं, पकड़े तो नहीं गए लेकिन 4 तो जरूर मिल जाएगा। गेंद को रुकाने में असफल रहे और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित भाई, क्या आपका भी दिल कह रहा है कि अब मैच में रंग आ गया है और अब प्रतीक टाइल्स यहां से जरूर 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 वापसी कर रही है? जब तक ये दोनों क्रीज पे है मुझे तो पूरी उम्मीद है और मैं आखिरी बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा अपनी टीम के लिए। इस समय जो इक्वेशन है वो 9 बॉल पे 40 रन का है और अगर सिक्सर से आप उसको जोड़ें, सिक्सर से या चौके से जोड़ें तो 5 सिक्सर 2-3 चौके इस तरह भी चल जाएगा या फिर 6-7 सिक्सर भी अगर लग जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीरज और करण पिछले कुछ गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डील कर रहे हैं, या तो सिक्सर या चौका, और टीम को जरूरत भी वही है। अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात करूं तो नीरज ने 14 बॉल में 34 बना लिए हैं, 4 सिक्सर्स लगाए हैं, 2 चौका। करण जैन ने 18 बॉल में 28 बनाए हैं, 3 चौका 2 सिक्सर।
और ऐसे में जब मोमेंटम आपकी टीम के साथ है तो मुझे लग रहा है गेंदबाज भी दबाव में होगा। अंकित भाई, दिल क्या कह रहा है आपका? ये दोनों प्लेयर पहले कमाल कर चुके हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। कमेंट्स भी चलते हुए यहाँ पर डगआउट से। हमारे डगआउट के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं गुरुदेव राइस। नौ पे 40 चाहिए और यहां पर चार निकल जाएंगे, उसमें से चार माइनस कर दीजिए। कवर्स में खेलता हुआ ये स्ट्रोक बल्लेबाज नीरज और गेंद चली गई चार रन के लिए। इस चौके की मदद से, इस फर्स्ट केयर चौके की मदद से टोटल जो स्कोर है वो पहुंचा है 96 रन्स पर और अब आठ गेंदों में 36 चाहिए, आठ बॉल में 36 रन की जरूरत। दबाव तो बना दिया है दोनों बैटर्स ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी पीछे है टीम, तीन ओवर में 60 चाहिए थे, 12 गेंदों में 50 चाहिए थे और अब आठ गेंदों में 36 रन की जरूरत। ये अच्छी गेंद, सही लेंथ पर, सही दिशा में और इस बार केवल एक से संतोष करना पड़ेगा। उम्मीद की लौ को जलाए रखा है, जगाए रखा है नीरज और करण ने। सात बॉल में अब 35 की जरूरत है, 7 balls 35 टू विन। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 सिक्सर्स लगाए हैं, 2 करण जैन ने और नीरज जैन ने 4 सिक्सर और अब यहां से बची हुई 7 गेंदों में 6 और लगाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। 35 रन बनाने बाकी हैं आने वाली 7 गेंदों में। आखिरी गेंद थी, लो फुल टॉस बनाना चाहते थे, कनेक्शन नहीं हो पाया और ये ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर रितेश का। इस ओवर में रितेश जैन ने 15 रन दिए और अब आखिरी 6 गेंदों में 35 रन की जरूरत। लास्ट ओवर, 6 बॉल्स टू गो एंड 35 मोर रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस गेम। टीम प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स। अंकित भाई, अनुभव कैसा रहता है इस JCL में खेलते हुए? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या जवाब रहेगा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम लोग साल भर इस इवेंट के लिए वेट करते हैं और इस बार तो 2 साल से वेट कर रहे हैं और जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही पाया यहाँ पे आके। और हम सभी लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने कोई बिजनेस में है कोई है, लेकिन यहाँ पे जो 6-7 दिन का जो हमको स्ट्रेस बस्टर मिलता है ना, ये हमारे लिए पूरे साल भर के लिए बहुत होता है, जो हमें पूरे 1 साल तक एनर्जी देते रहता है कि अगले साल के लिए फिर तैयारी करना है। सो और स्पोर्ट्स तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। इट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव, सो वी आर ऑल लविंग इट एंड एन्जॉइंग इट। निश्चित ही सभी का ऐसा ही अनुभव है और सभी लोग इंजॉय करते हैं इस 7 दिन को। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आखिरी 6 गेंदे और 35 की जरूरत। चलिए, पहला तो चौका है या सिक्सर, 4 रन का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। firstcry.com चौका। हमारे स्पॉन्सर्स में श्री शिवम, दी टुगेदरनेस स्टोर, स्वस्तिक ग्रुप, ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। पांच बॉल पे चाहिए 31 और यहां पर सफलता मिलते हुए नए गेंदबाज हैं। धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया और नीरज का विकेट यहां पर मिलता हुआ। आउट हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज। 100 रन ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं लेकिन लक्ष्य 132 का था, 101 पर ये विकेट नंबर 4। लेकिन तारीफ करेंगे आप नीरज की, 18 गेंदों में बनाए 43 रन, 43, 4 चौका,
चार सिक्सर इनकी पारी में शामिल रहा। चार गेंदें और अब 31 की है आवश्यकता। नए बल्लेबाज टीम के ओनर प्रतीक जी पहुंच रहे हैं मैदान पर। प्रतीक, टाइल्स एंड मार्बल्स। नो बॉल का इशारा है एम्पायर के द्वारा और दौड़कर एक रन भी लिया जा रहा है। फ्री हिट की गेंद अब फेस करने के लिए तैयार रहेंगे करण जैन। 103 हो गया स्कोर। अब चार गेंदों में 29 रन चाहिए। नए गेंदबाज हैं पंकज झाबक के रूप में। एक सफलता पंकज ने अपनी टीम को दिलाई है। फ्री हिट गेंद है। फ्री हिट की गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज करण जैन। सो फ्री हिट पर भी कोई खास बड़ा स्ट्रोक नहीं, मात्र एक ही रन। 104 अब तो 28 रन बचे हुए तीन गेंदों में। ये JCL की दूसरी शाम का आखिरी मैच में आखिरी कुछ लम्हात। प्रतीक जी के बैट से निकलता हुआ ये शॉट और अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर डीप में। तीन रन सेव किए गए। Last two balls to go. 105 is the score. और ये लीजिए करण के बैट से निकलता हुआ एक और सिक्सर। ये तीसरा सिक्सर करण के बैट से, लेकिन अब देर हो चुकी है। बहुत देर कर दी मेहरबान ये सिक्सर लगाते लगाते। 9.5 ओवर में 111 है स्कोर। और अब आखिरी गेंद, अगर कोई नो एक्स्ट्राज नहीं आते हैं तो लगभग जीत के द्वार में प्रवेश करने को तैयार है अमर ब्रदर्स की टीम। और ये लीजिए एक और सिक्सर यहां पर करण के द्वारा, लेकिन दूर रह गए अपने जीत से 14 रन से इस मुकाबले को जीता गया टीम अमर ब्रदर्स के द्वारा। बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अमर ब्रदर्स। तुरंत चलेंगे हम मैन ऑफ द मैच के लिए और ये मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे। भावेश भैया अगर आप अवेलेबल हो तो आ जाएं। भावेश जी के हाथों, पवन जी के हाथों, महावीर जी के हाथों हम इस मैच का मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा अमर ब्रदर्स के अनमोल गोलचा तुरंत आ जाए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए पहले जबरदस्त बैटिंग अनमोल गोलचा, 11 गेंदों में 40 रन और फिर गेंदबाजी करते हुए सफलताएं भी।